वहां पे सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है। समझिए कि दोनों दल की ओर से क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये क्लियर हो। तो एक मेन पिक्चर में कौन है? नीतीश कुमार है। लोगों को क्या लगेगा कि सामने नीतीश कुमार है? और आरजेडी क्यों डर रही है समझिए। आरजेडी इसलिए डर रही है क्योंकि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता जो है, उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार जो है कभी भी पलटी मार सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। अब कल के डेट में अगर नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं तो ये क्रेडिट पिक्चर जो है, जो लोगों के मानस पटल पे वो क्रेडिट पिक्चर जाएगा, किसका जाएगा? नीतीश कुमार का जाएगा। कुमार ने बड़े इजीली कहा था कि अरे कम्मा तो हम ही ना करते हैं, गठबंधन में बीजेपी रहे चाहे कोई रहे, काम तो हम ही ना करते हैं। अगर उन्हें अलग होना होता होगा, एनडीए के तरफ जाना होगा, तो इन चीजों को आधार बना सकते हैं कि देखिए मैंने कभी भ्रष्टाचार के साथ नहीं दिया। आरजेडी भी ये चाह रही है कि देखिए नियुक्ति पत्र नौकरी बांटना ये किसका सपना था? ये विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव का सपना, समझिए। इसीलिए जो सरकार के दो इम्पोर्टेंट दल हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों आमने सामने हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार पाल। सीएम नीतीश कुमार कल यानी कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। 120,000 लगभग नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और इसको लेकर के सियासत भी पूरी तरह से गर्म है। विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये बड़े घोटाले का एक न्यू डाला जा रहा है। नौकरी के नाम पर पैसे की उगाही करने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं और इसका प्रमाण पेश किया गया है एक बैनर को दिखा करके। बैनर पर सीएम नीतीश कुमार अकेले दिख रहे हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि चाचा भतीजा अलग अलग क्यों हैं? चाचा जो है पोस्टर पर अकेले बने हुए हैं और भतीजा गायब है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ अमित झा सर। अमित झा सर से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या गणित किया जा रहा है, कैसा घोटाला है, ये है भी कि नहीं। सर स्वागत है। देखिए कौशिक जी, जाहिर सी बात है कि जब इस बड़े पैमाने पे कोई कार्यक्रम चलता है तो कई तरह की बातें जो हैं आरोप प्रत्यारोप सामने आती है। कल आपको संभवतः ये भी देखने को मिलेगा कि जैसा कि पहले कई बार देखने को मिला है कि कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, उन्हें भी नियुक्ति पत्र दी जाएगी, क्योंकि ऐसा पहले बिहार में दिख चुका है, नीतीश तेजस्वी सरकार में दिख चुका है जब से नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जो है इस सरकार में चला है। या हो सकता है कि सरकार जो है इससे सबक ले और उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र मिले जिन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कौशिक जी देखिए यहाँ पे उठ रहा है वो ये है कि जो बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ चली है, और देखिए क्रेडिट लेने की होड़ में जो सरकार के दो इम्पोर्टेंट दल हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों आमने सामने हैं। और मीडिया में आमने सामने नहीं है। देखिए मीडिया अगर कयासबाजी लगाती, अगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो ये समझ में आता कि मीडिया में आमने सामने है या मीडिया कयास लगा रही है, मीडिया नीतीश कुमार के पोस्टर के सामने जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने ये कहा है कि देखिए कि अगर सरकार में कोई भी काम होता है या हो रहा है तो कोई भी दल इसका क्रेडिट ना ले, और उसके तुरंत बाद आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जिस तरह की प्रतिक्रिया आती है, जिस तरह से तेजस्वी यादव को हीरो बताया जा रहा है नियुक्ति पत्र बांटने में, और वहां पर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया जा रहा है, और वहीं गांधी मैदान में जहां पर नियुक्ति पत्र बटना है, जहां पे 25,000 से ज्यादा लोग जिन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाना है सामने में नीतीश कुमार बांटेंगे, वहां पे सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर है। अब समझिए कि दोनों दल की ओर से क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है।
अब जरा ये समझिए कि अगर ये बिहार नहीं होता, अगर ये कोई दूसरा स्टेट या केंद्र का कार्यक्रम रहता, तो वहां पे अमूमन आप देखते हैं कि वहां पे पीएम या सीएम की ही तस्वीर होती है, डिप्टी सीएम की तस्वीर ना नहीं होती है। या अगर नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में देखे तो वहां पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है, वहां पे और किसी गृह मंत्री या जिस विभाग का भी कार्यक्रम है उनका पोस्टर नहीं होता, अगर होता भी है तो छोटा सा होता है। यानी प्रमोट जो है मुखिया को किया जाता है। लेकिन चूंकि ये बिहार है, यहाँ बराबर की सरकार चल रही है, जेडीयू और आरजेडी की बराबर की सरकार चल रही है, जेडीयू संख्या बल के आधार पे कम है, आरजेडी भी ये चाह रही है कि देखिए नियुक्ति पत्र नौकरी बांटना ये किसका सपना था, ये विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव का सपना, समझिए इस चीज को। क्योंकि जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो उन्होंने ये चुनावी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो लड़ा था नौकरी के नाम पे कि हम इतनी लाख नौकरियां जब सरकार में आएंगे तो एक हस्ताक्षर से देंगे। अब समझने की बात है, नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट यानी मेन पिक्चर में कौन है, नीतीश कुमार है। लोगों को क्या लगेगा कि सामने नीतीश कुमार है। और आरजेडी क्यों डर रही है, समझिए आरजेडी इसलिए डर रही है क्योंकि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता जो है, स्वीकार्यता इन द सेंस के है कि गठबंधन के मेन साथी के रूप में अभी भी जो सहयोगी दल आरजेडी है उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार जो है कभी भी पलटी मार सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। तो सारा क्रेडिट मेन पिक्चर में कौन है, नीतीश कुमार है। अब कल के डेट में अगर नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं तो ये क्रेडिट पिक्चर जो है, जो लोगों के मानस पटल पे वो क्रेडिट पिक्चर जाएगा, किसका जाएगा, नीतीश कुमार का जाएगा। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने बड़े इजीली कहा था कि अरे कम्मा तो हम ही ना करते हैं, गठबंधन में बीजेपी रहे चाहे कोई रहे, काम तो हम ही ना करते हैं। तो नीतीश कुमार बोलने में तो बोल गए लेकिन उसका असर सहयोगी दल पे तो पड़ा, यानी लोगों पे पड़ा कि भाई इतने साल बीजेपी या कुछ सालों तक आरजेडी सत्ता में रही लेकिन क्रेडिट खुद नीतीश कुमार ले रहे हैं। तो ये डर है आरजेडी का कि अगर कल के डेट में नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो ये सारा क्रेडिट तो जेडीयू ले जाएगी कि नियुक्तियां तो हमने बांटी है, नीतीश कुमार ने बांटी है, आरजेडी का इसमें क्या रोल। और यही कारण है कि आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से तेजस्वी यादव को क्रेडिट देते हुए, उनकी तस्वीर लगाते हुए उन्हें हीरो बताया गया है। और दूसरी बात समझिए कि अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में सारा कुछ तेजस्वी को संभालना है, तब फोटो लगाने में भी दिक्कत है कि सरकारी कार्यक्रम है, ठीक है भाई मंत्री की फोटो लगती है, साथ में डिप्टी सीएम की भी तस्वीर लग जाती, चाचा भतीजे दोनों को क्रेडिट मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए कहीं ना कहीं ये तय मान के चलिए कि गठबंधन में जो सामान्य चीजें दिख रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कि वो कल के डेट में सामान ही रहे लेकिन दिल का जो मेल कहते हैं ना, मेल अभी नहीं हुआ है। अब देख लीजिए ना, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन गया है, नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया, यानी कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया वहां पे। अब ये समझिए क्यों किया, नीतीश कुमार अपनी छवि बेदाग रखना चाहते हैं, नीतीश कुमार सेफ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं कि कल के डेट में अगर वो इंडिया के तरफ से भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो कोई ये ना कहे कि वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर उन्हें अलग होना होता होगा, एनडीए के तरफ जाना होगा, तो इन चीजों को वो आधार बना सकते हैं कि देखिए मैंने कभी भ्रष्टाचार के साथ नहीं दिया। तो ये नीतीश कुमार की सेफ पॉलिटिक्स है और यही सेफ पॉलिटिक्स का नतीजा है कौशिक जी, जो आपको नियुक्ति पत्र से पहले पोस्टर वार में देखने को मिल रहा है, चाहे वो जेडीयू की ओर से या आरजेडी की ओर। तो सर आज जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार गए हुए थे, विद्युत विभाग का कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने ये बात क्लियर भी किया था कि लोग श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं,
कुछ अपने लोग भी श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं, और सीधे सीधे उन्होंने अपने मंत्री गण को इशारा करके बोला भी कि आप लोग राज्य सरकार बोला कीजिए, और उसके बाद बैनर सामने आया। तो ये क्लियर है कि अब श्रेय लेने का होड़ शुरू हो गया है, और अब सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को ये कतई पसंद नहीं है कि कोई भी सहयोगी दल उनके बराबर आके खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी रहे या आरजेडी रहे। नीतीश कुमार हमेशा से गठबंधन को अपने सहयोगी दल को डोमिनेट करना जानते हैं, और जब तक आपको याद होगा कि 2005 से लेके 2010 तक की सरकार, और या 15 तक की सरकार कहिए, में आपने देखा होगा कि बीजेपी कभी श्रेय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ी। एक दो मंत्री जैसे ही, चाहे वो गिरिराज सिंह हो चाहे प्रेम कुमार हो, जैसे ही बयानबाजी करते थे उन्हें बीजेपी खेमे के तरफ से ही साइलेंट कर दिया जाता था। इसलिए साइलेंट कर दिया जाता था क्योंकि नीतीश कुमार, देखिए, पसंद ही नहीं है नीतीश कुमार को। ठीक है, आज नीतीश कुमार की शक्ति उतनी नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी बिहार और केंद्र की राजनीति में संख्या बल के आधार पे। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि डोमिनेट, नीतीश कुमार को पसंद है डोमिनेट करना या किसी भी चीज का क्रेडिट लेना, और आरजेडी मंत्री के द्वारा, जिस तरह से आरजेडी के मंत्रियों के द्वारा ये बार बार किया जा रहा था कि कोई भी उनके विभाग की तरफ से जब कार्यक्रम चलाए जा रहे थे तो क्रेडिट लिया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा था और आगे भी नागवार गुजरेगा। अब कल के कार्यक्रम में क्या कुछ होता है, देखिए, सामने में तो हो सकता है कि नीतीश तेजस्वी की बॉन्डिंग के वो एक दूसरे की तारीफ करें, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये क्लियर हो गया है। तो कल 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बंटने हैं, और आप देख ही रहे हैं कि सियासी गलियारे में काफी हलचल मचा हुआ है, पोस्टर मार्च किया हुआ है, सीएम नीतीश कुमार पोस्टर में दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं, और ट्विटर हैंडल पर तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। तो आगे देखते हैं सियासी गलियारे में क्या कुछ होता है, कल मैदान में, गांधी मैदान में क्या होता है, नियुक्ति पत्र बंटता है, और उसके बाद इंतजार कीजिए देशवा न्यूज के साथ। ऐसे ही बने रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।